दोस्तों ये है मेरे पास हीरो होंडा की स्प्लेंडर प्लस बाइक जो है ओल्ड मॉडल। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे पास ये पुरानी बाइक आती हैं और इनमें जो कार्बोरेटर लगा होता है ना, तो इनमें अक्सर प्रॉब्लम आपको भी जरूर ये देखने को मिली होगी। और ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन दोस्तों मेरे हिसाब से 10% जो मैकेनिक होते हैं वो ही कर पाते हैं। अब ऐसा क्यों, देखिए दोस्तों यहाँ पर जब हम इसके अंदर एक्सेलेरेटर देते हैं ना, तो यहाँ पर जो है जो कार्बोरेटर में ऊपर पिस्टन होता है ना, स्लाइड होती है, वो ऊपर ही फंसी रह जाती है, जिसके चलते होता क्या है, देखिए जब मैं जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसके अंदर ये एक्सेलेरेटर दिया, तो यहाँ पर ये जो इसका पिस्टन होता है, स्लाइड होता है, ये ऊपर ही फंसी रह जाती है। देखिए यहाँ पर इससे होता क्या है दोस्तों, अक्सर कुछ बंदों के साथ यहाँ पर दुर्घटना भी हुई है, तो इससे दोस्तों उनको कुछ नुकसान भी हुआ है, चोट फेट भी लगी है, तो यहाँ पर आपके पास भी जरूर ऐसी प्रॉब्लम आई होगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरे पास काफ़ी बाइक में आई है, और इनके चलते होता क्या है, जो ये ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है पुरानी बाइक में, यहाँ पर से जो इसकी ये सीट होती है ना, कार्बोरेटर का ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो यहाँ से जो है ये अक्सर फूल जाता है, और फूलने के चलते होता क्या है, यहाँ से जो दोस्तों इसकी ये स्लाइड होती है ना, पिस्टन होता है ना, ये इसमें फंसे के फंसाया ही रह जाता है। तो यहाँ पर जब इसके अंदर एक्सीलेटर देते हैं तो वो ऊपर फंस जाता है। तो अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, मेरा इसमें कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे मैकेनिकों के पास ऐसी जो प्रॉब्लम आई होगी, और बहुत सारे मैकेनिकों ने इसको सॉल्व भी जरूर किया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैकेनिक भी हैं वो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व तो नहीं कर पाते, लेकिन वो क्या करते हैं, इसकी जगह इसके कार्बोरेटर को ही चेंज कर देते हैं। भाई देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो में ये प्रॉब्लम्स ऐसी बताई हैं कि देखिए नया पार्ट तो कोई भी डाल देगा, कोई भी डाल देगा, वो आपको पता है कि अगर आपके पास कोई नए लड़के लगे होंगे ना, और उनको आप बोल दोगे ना कि इसके अंदर आपने ये नया पार्ट डाल देना है, तो वो तो डाल दोगे, लेकिन जब आप उनको बोलेंगे कि आपने इसके अंदर कुछ नया करके दिखाना है या कुछ जुगाड़ कर देना है, तो वहाँ पर वो दोस्तों इतनी जल्दी से जो है उसके अंदर जुगाड़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन कुछ बंदे दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, वीडियो को पूरा देखते तो नहीं है और ना ही पूरी तरह से बात को सुनते हैं, कमेंट में दोस्तों ये नहीं पता क्या क्या लिख देते हैं, उल्टा सीधे लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने जो है लास्ट वीडियो बनाया था इससे जो पिछले वाला है, तो मैंने दोस्तों उसमें जो है जो हमारी ये बाइक का मेन स्टैंड होता है ना, और इसकी पिन ये अक्सर जाम हो जाती है, जैसे कि पुरानी बाइक होती है, तो वो अगर नहीं भी निकलती है, तो मैंने वहाँ पर जो है उसके अंदर एक कट लगा कर ना, उसको एक मिनट के अंदर ही उसको निकाल के दिखाया था। तो बहुत सारे मैकेनिक भाइयों ने बोला था कि इसको आप जो है इतना टाइम वेस्ट करते हैं और इतना जुगाड़ कर रहे हैं कि इसके अंदर नया डाल दो, तो भाई आप वो वीडियो देख लेना, आपको दोस्तों उसकी प्रॉब्लम अपने आप समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा उसमें ये बताने का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास कोई भी ऐसी बाइक आ जाती है कि सभी के तो ऐसे पार्ट नहीं है जो नहीं मिलते हैं, मतलब कि जो मेन स्टैंड होता है, तो यहाँ पर अगर उनकी पिन जाम हो जाती है तो आपने क्या करना है दोस्तों, वहाँ पर जो है उसके अंदर कट लगाकर उसकी पिन को आसानी से आप निकाल सकते हैं, और उसके ऊपर आप वेल्डिंग करके वहाँ पर ग्राइंडर से थोड़ा उसकी सफाई करके उसको दोबारा फिट कर सकते हो। तो उस वीडियो का दोस्तों मैं लिंक ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, और उसका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख लेना दोस्तों, आपको उससे बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारी ये स्प्लेंडर बाइक का कार्बोरेटर है ना, इसका पिस्टन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा तरीके से फंसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये कितनी मशक्कत हमने करनी पड़ रही है इसको बाहर निकालने के लिए, तो यहाँ पर ये इतनी जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत पानी का मॉइस्चर जो अंदर गया है उसने भी यहाँ पर थोड़ा ये जंग के कार्बन इसमें लगा दिए है, जिससे यहाँ पर थोड़ा पिस्टन वैसे भी जाम हो चुका है, लेकिन चलिए वो तो बाद की बात है मॉइस्चर का आना, लेकिन जो नॉर्मली प्रॉब्लम आती है वो तो आपको पता है कि यहाँ पर जो ये पिस्टन होता है ना ये जाम हो जाता है। तो देखिए भाई, मुझे यहाँ पर ना काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, और मेरी यहाँ पर जो है उंगली पर चोट भी लग गई थी, क्योंकि यहाँ पर जब एकदम से झटका लगा ना, तो मेरी फिंगर नीचे ब्लॉक किट पर लगी थी, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी चोट भी लगी थी। तो चलिए, चोट तो अक्सर लगती रहती है हमारे काम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिस्टन मैंने बाहर निकाल दिया है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जो इसका अंदर का ये फेस होता है ना, अंदर की सीट है, तो यहाँ पर दोस्तों ये सीट फूल जाती है, और जिसके चलते ये जो इसकी स्लाइड होती है ना, पिस्टन होता है, तो यहाँ पर ये फंस जाता है। तो देखिए, अब ये नीचे इतनी जल्दी नहीं जाएगा, मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जब इसको मैं ऊपर निकालता हूँ तब भी ये काफ़ी यहाँ पर जो है इसके ऊपर काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, और तभी ये निकलता है। तो यहाँ पर ये पिस्टन दोस्तों, अगर हम इसके अंदर दूसरा भी चेंज करेगा ना, अगर आपके मन में ये डाउट हो, तब भी दोस्तों यहाँ की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, क्योंकि पिस्टन तो उतना ही बराबर है, वो इतनी जल्दी उसका आकार नहीं बदला है। जो बदलता है आकार, तो सिर्फ और सिर्फ इसके
जो ये फेस होता है ना, अंदर की सीट होती है, इसका ही आकार बदल जाता है। तो इसका क्या समाधान है अब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो आपने जो इस कार्बोरेटर को ना ओपन कर लेना है, इसके जेट वगैरह को आपने खोल लेना है ताकि इसके अंदर जो हम ये काम करेंगे वो इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए दोस्तों आपने इसके कार्बोरेटर को ओपन कर लेना है। तो अब देखिए हम दोस्तों इसके अंदर क्या ट्रिक आजमाने वाले हैं। दोस्तों ये जो ट्रिक है ना, मैंने पता नहीं कितनी बाइक में ऐसे करके अपने कस्टमर को और दूसरे जो अन्य कस्टमर होते हैं उनको करके दी है, और वो द्वारा दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम उसमें नहीं आई है। तो कुछ बंदे क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा ये पिस्टन होता है ना, जहाँ पर ये स्प्रिंग होता है, तो इसके ऊपर कुछ वार्सल रख देते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है, ये पिस्टन पूरी तरह से ऊपर तो नहीं आता और ये टाइट जरूर हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए वहाँ पर इतना तो काम हो जाता है कि वहाँ पर जो है ये पिस्टन अब फंसेगा नहीं, लेकिन वहाँ पर जो है एक्सेलेटर बहुत ज़्यादा ये हर्ड हो जाती है। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, दो आपके पास ये दो रेग मार्ग होने चाहिए, एक तो सफाई वाला जो 320 नंबर होता है और दूसरा ये मोटे वाला। तो अब आपने क्या करना है, जो ये अंदर की सीट होती है ना, देखिए जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जिस साइड में आपको ये स्लो को कम ज़्यादा करने का ये सक्रियो मिलता है, तो आपने क्या करना है, अब देखिए इस सक्रियो को तो आपने खोल लेना है सबसे पहले, लेकिन जो हमारे पास ये रेग मार्ग होता है ना, तो आपने जिस साइड में ये सक्रियो लगा है इस साइड में ही इसकी सीट को थोड़ा ऐसे घिसा लेना है। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, तो आपने बिल्कुल टिकटॉक ऐसे ही इसको घिसा लेना है। आपने जो है दोस्तों जो इस साइड में ये लंबा कट लगा होता है ना इस स्लाइड का, और साइड में दोस्तों ये छोटी सी एक यहाँ पर ये स्पोर्ट लगी होती है, याद रखिए आपने जो है दोस्तों इस साइड में बिल्कुल भी रेक मार्ग का इस्तेमाल नहीं करना है। इससे होता क्या है, जो अंदर की ये छोटी सी सपोर्ट होती है ना, ये दोस्तों इससे घिस जाएगी और यहाँ पर ये पिस्टन थोड़ा बहुत घूमने लगेगा, यहाँ पर वो दिक्कत कर सकता है। तो आपने याद रखना है जो मैं जिस तरीके से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ना, देखिए यहाँ पर आपने इसके अंदर ये इस तरीके से ही इसको रेक मार्ग को अंदर घिसाना है, ठीक है। इससे होता क्या है, जो अंदर की सीट थोड़ी बहुत होगी ना वो टाइट, वो अंदर से बराबर घिस जाएगी। देखिए यहाँ पर ये इतनी घिसाने के बाद ये अंदर से इसकी सीट घिस चुकी है, और ये आप इसके अंदर का ये मटेरियल देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इसके अंदर ये सीट घिस चुकी है, तो यहाँ पर आपने इसको थोड़ा थोड़ा घिसा लेना है, और उसके बाद एक दो बार आपने इसको घिसा के ना यहाँ पर पिस्टन को चेक करना है। आपने इसको तब तक घिसाना है और बार बार पिस्टन को चेक करना है, इसके अंदर डाल के थोड़ा पेट्रोल से इसको साफ करके कि यहाँ पर जो पिस्टन है वो ज़्यादा लूज तो नहीं हुआ है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर जो पिस्टन जब तक यहाँ पर फंसा रहेगा तो ये दिक्कत ऐसे ही करता रहेगा। तो यहाँ पर आपने बार बार थोड़ा इसको साफ़ करके ना रेक मार्ग से पेट्रोल से साफ करके इसके पिस्टन को इसमें चेक करना है, और जब दोस्तों इसका काम बन जाए तो आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास पुलिस वाला रेक मार्ग होता है ना, इससे आपने बाद में इसकी सफाई कर देनी है ताकि यहाँ पर ये अच्छे से अंदर की सफाई हो सके और यहाँ पर जो है पिस्टन हमारा अच्छी से वर्क करता रहे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी भी जो है ये पिस्टन इसके अंदर काफ़ी टाइट जा रहा है, तो अभी जो है हमने इसको थोड़ा बहुत और घिसाना है। तो आपने इसको ऐसे थोड़ा बहुत और घिसा लेना है जब तक दोस्तों आपका पिस्टन जो है पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर फ्री ना हो और यहाँ पर जो है पिस्टन हमारा बार बार ना फंसे। तो देखिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को ना इतनी ईमानदारी और मेहनत से ऐसे प्रैक्टिकल वीडियो देता रहता हूँ और उनमें आपको जानकारी भी देता रहता हूँ। तो भाई दोस्तों ऐसी जानकारी तो आप लोगों को बहुत ही कम मिलेगी, शायद ही मुझे नहीं पता कि किसी ने YouTube पर ऐसी जानकारी दी होगी। तो अगर दी होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी है तो प्लीज़ अभी से अपना लाइक दोस्तों इस वीडियो को जरूर देना। दोस्तों मुझे जो है इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक मिलने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी जानकारी अभी तक आपको किसी ने भी नहीं दी होगी। तो दोस्तों इसके लिए आपका एक लाइक तो हमारे लिए ज़रूर बनता है। और मेरे प्यारे दोस्तों आप में से बहुत सारे भाई बंधु ऐसे भी होंगे, अभी आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन जरूर चल रहा होगा कि इससे कार्बोरेटर ख़राब हो जाएगा या इससे ओवर रेस हो सकती है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम जो है अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हम ये करके दे रहे हैं ना आपको, ऐसे मैंने पता नहीं कितनी बाइक में ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है और उनकी बाइक अभी भी दोस्तों ओके चल रही है। तो भाई उसका फ़ायदा क्या है, जो ये बाइक मेरे पास दूसरे मैकेनिक से होकर आई है और वो कहता है कि इसके अंदर नया कार्बोरेटर ही डलेगा और तभी इसकी प्रॉब्लम सोल्व होगी, तो उसका फ़ायदा क्या है भाई, आप कुछ नया करके देखो, आपको दोस्तों कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इससे जो है दोस्तों आप लोगों का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और दोस्तों मार्केट में जो है आप लोगों की कुछ ना कुछ इमेज भी बनेगी कि हाँ उस मैकेनिक ने कुछ नया इसके अंदर करके दिखाया है। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आई है तो आप लोगों ने क्या उसका सोल्यूशन किया है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अगर इस ट्रिक को जो मैकेनिक भाई हैं या दूसरे हैं, अगर वो इस ट्रिक के बारे में जानते हैं तब भी दोस्तों मुझे बताना, अगर उनके पास कोई दूसरा ट्रिक है तब भी दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
तो भाई इतना काम करने के बाद देखिए हमारा जो पिस्टन है अब कुछ फ्री हो चुका है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारे पास ये पॉलिश का रेग मार्ग होता है ना, ये आपको दुकान से मिल जाएगा। और अगर आपको ये नहीं भी मिलता है तो आपने क्या करना है, जो आपके पास ये खराद वाले होते हैं ना, इनके पास ये पुराने निकले हुए बहुत होते हैं जो ये बोरिंग के दौरान इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद आपने दोस्तों इसके अंदर ये इसी तरह से थोड़ा घुमा देना है ताकि यहाँ पर अच्छे से इसके अंदर ये सफाई आ जाए। तो अब देखिए दोस्तों जो हमारा ये कार्बोरेटर है ना अच्छे से साफ हो चुका है, इसके अंदर हमने पॉलिश का रेग मार्ग भी अच्छे से घुमा दिया है। तो यहाँ पर जब हम इसके अंदर ये पिस्टन डालते हैं ना तो ये कितने अच्छे से अप डाउन हो रहा है, तो ये इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं अब फंस रहा है। तो इसको हम अब देखिए थोड़ा फिट कर लेते हैं, इसी कैप को लगा लेते हैं और इसके अंदर हम एक्सेलेटर दे के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब एक्सेलेटर कितनी ये थोड़ी आसान हो चुकी है, हल्की हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो पिस्टन था ना वो काफ़ी टाइट यहाँ पर चल रहा था और वो ऊपर फंस रहा था। तो अब देखिए ये जो है ना एक्सेलेटर देने पर ये कितनी आसानी से अप डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसके अंदर प्रॉब्लम थी जो हमने आपको करके दिखाई। तो यहाँ पर जो दोस्तों ये मेरा कस्टमर है ना, मैंने इसका काम सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में चला दिया है। अगर आप मेरे को पूछेंगे तो ये दोस्तों मेरा इसका सर्विस चार्ज है सिर्फ 100 रुपये। तो यहाँ पर जो मेरा कस्टमर देखे दोस्तों या कोई दूसरा कस्टमर आता है तो आपको पता है कि उसको ज़्यादातर मैकेनिक जो है ये नया कार्बोरेटर चेंज करने की ही सलाह देते हैं। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल भी नया कार्बोरेटर नहीं डाला है। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम जो आती है दोस्तों, ये यहाँ पर जो इसकी सीट होती है ना ये फूल जाती है और ये पिस्टन को ऊपर से पकड़ लेती है। तो यहाँ पर दोस्तों इससे जो है बहुत हादसे भी होते हैं, शायद आप लोगों के पास ऐसे हादसे आए होंगे। तो अगर आप लोगों के पास ऐसी प्रॉब्लम आई है तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ हमारे पास जो है ये ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं और उस प्रॉब्लम से आप किस प्रकार से निपटे हैं। वहाँ पर आपने जो है नया कार्बोरेटर चेंज किया है या यही ट्रिक आजमाया है या आपने यहाँ पर जो है दूसरा ट्रिक आजमाया है, तो आप लोगों ने जो है अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन ये छोटी सी प्रॉब्लम जो होती है इसके लिए कुछ मैकेनिक भाई कार्बोरेटर ही चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, नॉलेज मिली है, और अगर आपके पास कभी भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो दोस्तों इस प्रकार से आप उसके अंदर ये ट्रिक आजमा सकते हैं और किसी भी कार्बोरेटर को दोस्तों आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलते हैं ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। हम इसी तरह से आपके लिए नॉलेजफुल वाले प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते रहेंगे और मैं आपको जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।